सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ायबस ऑडिटोरियम के अंदर, जहां पर पोस्टर कंपटीशन स्टार्ट है और हम पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करेंगे कि उनका क्या इसके बारे में कहना है और किस प्रोडक्ट्स या किस इंडस्ट्री या किस कंपनी को वो अपनी प्रेजेंटेशंस में जो है जैसा एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिन। माहिन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और ये फर्स्ट टाइम इवेंट हो रहा है, तो इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव है। आई वुड से कि इट्स अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्योंकि हम अपनी इस क्लासरूम्स में तो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट इसमें एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स को इन द फॉर्म ऑफ अ पोस्टर, ये बहुत एक नया एक्सपीरियंस है एंड इट शुड लाइक कंटिन्यू फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। अच्छा, पाकिस्तान में प्यूगेट आ गया है और इसका हम जैसे ज़ायबस से बाहर जाते हैं, दो तलवार से तीन तलवार की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें राइट साइड पे इनका हमें शोरूम भी नजर आता है। आप मुझे इसके बारे में बताइए क्या है, कैसी प्रोडक्ट है और आप इसके बारे में क्या ब्रीफ देंगे अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू? टू मेक इट शॉर्ट, प्यूजो इज अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में आया, ये इन जनवरी 2021, और दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लोकली मेड यूरोपियन ब्रांड। तो ये और ये लकी मोटर्स की पार्टनरशिप से पाकिस्तान में एंटर हुआ है, एंड उनका जो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस वाया द लोकली प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट एवर लोकली प्रोड्यूस्ड यूरोपियन ब्रांड। प्यूजो अपने आप को इस तरह डिफरेंशिएट करता है कि इट्स अ कार फॉर द लग्जरी, इट्स अ लग्जरी कार फॉर द नीश ब्रांड क्लास, येट इट इज अ बजट फ्रेंडली कार। तो इसके दो वेरियंट्स हैं, एक्टिव एंड अलोर। एक्टिव इज मोर ऑफ अ बेसलाइन वेरियंट विच स्टार्ट्स एट ₹5.5 मिलियन, एंड अलोर जो उसका थोड़ा हाई ग्रेड वर्जन है विच इज अबाउट 6.5 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस। बट बोथ ऑफ देम ऑफर द इनका जो USP है प्यूजो का इटसेल्फ, इट्स द यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। It's a kind of car that you want to drive for yourself and not sit at the back while let somebody else drive it for you. So ye is tarah aapko differentiate kar rahe hain market mein, and they do have a vast spectrum of competitors to compete against, being Kia Stonic, Cherry Tiggo, MG ZS and Honda HR-V. So abhi inka ye starting phase hai initially, aur unhone apna ek hi model introduce kiya hai, French 2008 SUV, aur apne aap ko inhone position kiya, branding kiya, and in the coming 10 years अपने आपको एस्टैब्लिश कर लिया। दे हैव गेन देयर कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, एंड दे आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक, एंड दे होप टू प्रोसीड विद दैट इन द कमिंग 10 इयर्स एंड इवेंचुअली ट्रांजिशन टू हाइब्रिड कार्स। थैंक यू सो मच माइन फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज आप जो पाकिस्तान में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज समझी जाती है, क्योंकि हादसात बहुत होते हैं और यहाँ पर आपके नजर आया कि आदम जी इंश्योरेंस भी मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी के बारे में और आप क्या प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं? एक्चुअली जो हम मेरी केस स्टडी का पार्ट है कि आदम जी इंश्योरेंस कब क्राइसिस में आई और उसके रीजन क्या थे, उसको डिस्कस किया गया। क्योंकि हुआ यह था कि 1990s के अंदर 2007 और उसके अलावा जब कोविड आया था, उस दौरान जो है कंपनी के अंदर जो है वो क्लेम्स जो किए गए थे उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें थोड़ा सा फ्लू था, बैकलॉग था, जिसकी वजह से जो है वो कुछ अननेसेसरी क्लेम्स हुए, जिसके से कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक मॉनिटरी पॉलिसिंग का ऐलान किया कि जो है वो कोई भी अगर इंश्योरेंस कराता है पहले वो पेमेंट करेगा, फिर उसके अगेंस्ट जो उसको पॉलिसी इशू होगी। प्रीवियस ये प्रैक्टिस नहीं थी। और उसके अलावा उनके कंपटीटर को डिस्कस किया गया, जैसा कि जुबली इंश्योरेंस कंपनी है, AFU इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट लाइफ है, और इसके अलावा जो है अल्फाला इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को डिस्कस किया गया है, और फिर वो प्रोडक्ट्स को बताया गया है इसके अंदर, और जो है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से आदम जी कंपनी जो इंश्योरेंस यूज कर रही है क्लेम पर्पस के लिए, वो इसके अंदर प्रेजेंट किया गया पोस्टर के अंदर। मुझे आप ये बताएं कि आपने आदम जी ही क्यों चॉइस की, इसके अलावा भी और सारी कंपनीज थी, या आपको आदम जी की किस प्रोडक्ट से लगता है कि भाई वाकई जो है ये इसका? एक्चुअली अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो आदम जी इंश्योरेंस में जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद जो क्लेम करते हैं वो प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी और आसान है, तो लोग इसको जो है वो बहुत वो करते हैं, रेदर देन कि अगर आप स्टेट लाइफ की कोई पॉलिसी लेते हैं जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आप वहाँ जो है वो अफसर जो है दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, क्लेम जल्दी नहीं होता नहीं। और आदम जी को अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने तो मोबाइल के एप्स भी दे दिए, उस पर आप डेटा अपलोड कर दो और वो आपको क्लेम होकर आपके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है इजीली। सही, थैंक यू शिवा साहब आपके टाइम का, जजाकल्ला। वेलकम। सो व्यूअर्स, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट्स हैं, अब उनसे बात करेंगे कि उन्होंने हैपेक लॉयड को लिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक लॉजिस्टिक कंपनी है या कोई शिपिंग कंपनी, ये तो उनसे ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये
है क्या और इसका काम क्या है, शिपिंग कंपनी है या लॉजिस्टिक कंपनी है क्या? जी, हैपेक लॉयड एक मल्टीनेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है और इसका काम लॉजिस्टिक्स का है, जो कि कंटेनर्स और शिपिंग लाइनर्स के अंदर डील कर रहे होते हैं। ये शिपमेंट्स हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स जितने हो रहे होते हैं कंट्री में, शिपिंग लाइन्स वो सारा मैनेज कर रहे होते हैं कि यानी कार्गो इनवर्ड और आउटवर्ड जो हमारी कंट्री में चल रहा होता है वो सारा मैनेज होता है। अच्छा, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है और इस वक्त हमें जहाज, चाहे तेल के हों या किसी और चीज के, उनकी बहुत जरूरत है। आपने इस प्रोजेक्ट को लिया, हैपिक लाइट को लिया, इसके पीछे रीजन क्या था? जी, इसमें ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने एस्पेक्ट हाईलाइट करने की कोशिश की है वो एक सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन और बिजनेस सस्टेनेंस के लिहाज से। तो इसके अंदर ये था कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हो रही है और जितनी हमारी सी के थ्रू ट्रेड हो रहा है, जो कि शिप्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर वो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कार्बन इमिशन के। तो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए अब जो वर्ल्ड कम्युनिटी हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं कि वो अब रेगुलेशंस बना रहे हैं शिपिंग लाइनर्स के लिए कि वो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें वो लेस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हों, जिसमें एयर पोल्यूशन भी आ जाती है, वाटर पोल्यूशन आ जाती है थ्रू फॉसिल फ्यूल, और उसके अलावा उनकी जो कार्बन इमिशन है थ्रू रीफर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर यूज करने वाले कंटेनर्स जिसमें हम पेरिशेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जो उनकी कार्बन मिशन है उसको लिमिट करना, और दूसरा एक एम है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो ये सारे जो हमारे यानी उसके लिए एक अल्टरनेट फ्यूल्स, अल्टरनेट एनर्जी का यूज और एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी विद इन द शिपिंग लाइनर्स और उनकी बिल्डिंग इंस्टॉलेशंस के अंदर एक रेगुलेशन बनी है वर्ल्ड वाइड, जिसमें हैपेक लॉयड इज वन ऑफ द लीडिंग शिपिंग कंपनीज जिसमें से वो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? जैसे हम मार्स वगैरह का नाम सुनते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं चाहूंगा कि आपके रेफरेंस से हमें थोड़ा आइडिया। मैंने इसमें कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर हाईलाइट किया कि मर्स है, इसमें कॉस्को आ जाता है, वन आ जाता है, एमएससी आ जाता है, उसके अलावा और बहुत सारे एपीएल है जो इनके लोकल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं। वैसे अगर हम अपने नेशनल कॉम्पिटिटर्स इनके देखते हैं तो वो पीएनएस है, लेकिन पीएनएस क्योंकि एक नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है उसके अपने एक मैंडेट है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट इन कॉम्पिटिशन नहीं आते। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इनके इंटरनेशनल कैरियर्स के साथ है क्योंकि ये खुद भी इंटरनेशनल कैरियर हैं और ये 5 कॉन्टिनेंट्स में प्रिवेल कर रहे हैं। तो इनका जो सबसे लार्जेस्ट या बहुत नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो मर्स्क है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का आजकल माइंडसेट होता है कि इस तरह की कंपनीज के अंदर उनकी जॉब्स हो, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में या जस्ट लाइक इस तरह की कंपनीज में पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स आगे क्या, किस तरह का उनका कैरियर हुआ या फ्यूचर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी तो बहुत चल रही है इस वक्त? बिल्कुल नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि मैं इसका पार्ट रह चुकी हूँ पास में, जो हमारे लिए हमारा जो कंपटीशन है जिसमें हम एकेडमिक्स में जो चीज़ देख रहे हैं वो है मोर इन टच विद द डिजिटलाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनली हमें और बहुत डिफरेंट किस्म की डाइवर्स वर्क फोर्स होती है जो डिफरेंट कंट्रीज से आती है, जिसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हमें इंडिया से मिलता है। तो वहाँ के रीजन के जो लोग हैं दे आर वेरी टैकी, और वो लोग सिक्योर कर जाते हैं जॉब्स। हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमारे लोगों को और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे ग्रिप लाना है और उस पर अपना कमांड लाना है। बाकी वी आर टैलेंटेड पीपल, देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन हैपिक लॉयड विद इन पाकिस्तान इन दुबई रीजन एंड इंटरनेशनली एज वेल, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं जिसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। सो सुजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। सो व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक चीज होती है कि हमें कभी भी सर दर्द होता है या कभी भी एंजाइटी, कुछ भी हो जाए, चाहे जिस्म का भी कोई दर्द हो, तो हमें सबसे पहली चीज याद आती है पैनाडोल, और नाम देखते ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ खास है, तो अब खास की तरफ मैं आ गया हूँ। और इस वक्त हमारे साथ हैं सायरा पंजानी, और अब हम उनसे बात करेंगे कि पैनाडोल और इस वक्त इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से है, क्या है, जीएसके की इसी प्रोडक्ट को आपने क्यों लिया?
ओके सो इस प्रेजेंटेशन में जो प्रोडक्ट हमने कंसिडर किया वो जीएसके बेसिकली जीएसके मैं एक से बताना चाहूँगी कि जीएसके अब जीएसके नहीं रहा जो है उसका न्यू नाम हेलियन हो गया है और वो पीएसएक्स पे रजिस्टर भी हो गया है. सो हेलियन ये जीएसके कंज्यूमर का एक प्रोडक्ट जो मेजर मार्केट शेयर 21% शेयर होल्ड करता है जो आपके पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है दैट्स पैनाडॉल. और उसका सबसे बड़ा डिलेमा जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इट्स लाइक अगर बीच में जो है वो शॉर्टेज जो है बहुत ज़्यादा हुई थी पैनाडॉल की उसका मेन रीज़न और वो सारी रीज़न डिस्कस किए गए हैं. अच्छा तो इस बात पे मैं आपसे वाकई पूछना चाहूँगा कि अब कोविड के बाद जैसे ही हम डेंगू के मर्ज में आए तो वाकई ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी. अब आप जब इस पर आप प्रेजेंटेशन दे भी रहे हैं और इसी मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं तो आप हमें कुछ रीजनिंग्स बताएं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली. अच्छा एग्जैक्टली हुआ ये था कि हमारे पास जो पैनाडॉल या कोई भी मेडिसिन जो है वो ड्रग रेगुलेटेड अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो प्राइजेस जो है वो अप्रूव होती हैं उसके थ्रू वो वर्क करता है. हम कोई भी मेडिसिन के प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर पाते. सो बहुत रेगुलेटेड मार्केट है आपके फार्मास्यूटिकल. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट देयर वॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था. हमारे प्रोडक्ट में मेजर जो APIs यूज़ होते हैं जो कि पैरासिटामोल है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है. इम्पोर्ट्स की कॉस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी फैक्टर और आपका डॉलर इम्पैक्ट. सो जिस प्राइस में हमारी पैनाडॉल मैन्युफैक्चर होती थी और जिस प्राइस में उसको रिक्वायर्ड होती थी कि हम उसको सेल कर सके जो कि अप्रूव्ड प्राइस थी उसके थ्रू जो है या तो हमारे मार्जिन बहुत लो होते थे या ये हमारी लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो गई थी. ऑल्दो ऑलमोस्ट 9 months विथ लोअर प्रॉफिट मार्जिन एंड विथ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कंपनी ने ऑपरेट किया बिकॉज कंपनी जीएसके हेलियन जीएसके सीएचसी या हेलियन का जो विजन है दैट इज टू सर्व द कंज्यूमर और द पेशेंट्स फर्स्ट. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट हैज टू मेक सम प्रॉफिट. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द पीक हैज रीच्ड वेयर वी वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट सो द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन 233% एंड डिक्लेयर द फोर्स मेजर. सायरा मैं लास्टली आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो कंपटीटर्स है जैसे कालपोल और डॉली पैरेंट समथिंग इस तरह की उनकी पोजीशन क्या थी. सेम पोजीशन उनकी भी थी बिकॉज इनके जो कंपटीटर्स हैं कालपोल पैरासिटामोल सबका मेजर API वाज पैरासिटामोल जो उसके अंदर यूज होता था. और पैरासिटामोल की प्राइस इंक्रीज जो एक आई मीन सम केजी की प्राइस इंक्रीज जो कि पहले 600 होती थी वो इंक्रीज होकर 2600 पे पहुंची वेयर एज द सेलिंग प्राइस वाज सेम 1.9 रुपी पर टैबलेट. सो वो फीजिबल नहीं था. सो फॉर दैट केस हार्डशिप केसेस मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट को जो है वो केस प्रेजेंट किया गया बट जब वो फाइनली वो अप्रूव नहीं हो रहा था सो इट वाज बेटर टू डिक्लेयर अ फोर्स मेजर. और 21st अक्टूबर को फाइनली फोर्स मेजर डिक्लेयर किया गया एंड विद इन 5 days द रिजल्ट वॉज देयर एंड ऑन 26th ऑफ अक्टूबर प्राइस इंक्रीज जो है वो from the government approve ho gaya tha. Thank you so much. It was very informative. Thank you so much. Thank you. خریداری میں سب سے بڑا راز یعنی کہ دراز. اور اس وقت میں جس اسٹال پہ موجود ہے وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ دراز سب سے اوپر نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Your good name? عبدالسلام. عبدالسلام دراز آپریشنز کے اوپر آپ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ دراز کے اوپر آپ کس کس چیزوں کو جیسا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے میں یہ ڈسکس کرنے والا ہوں اس میں میرا ڈیلیما یہ ہے کہ جیسے 2019 کے اینڈ میں جو کووڈ نے اٹیک کیا جس سے افیکٹ ہوا بزنس فزیکلی بزنس جو ہے وہ بالکل کلوز ہو گئے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے. تو ایسے میں جو لوگ فزیکلی شاپنگ کرتے تھے وہ آن لائن پلیٹ فارم کی طرف موو ہو گئے جس کی وجہ سے آن لائن شاپنگ کرنے والے اور فزیکل دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے جس کی وجہ سے دراز کے پاس اس حساب سے انوینٹریز اور ان کا اسٹاف نہیں تھا جس کو دراز کو مینیج کرنا تھا جس میں ان کو چیلنجز تھے. تو یہ میرا ڈیلیما ہے کیس اسٹڈی کا. اچھا سم واٹ کہا جاتا ہے کمپیٹیٹرز بڑے امپیکٹ رکھتے ہیں اور بہت ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں. دراز کے سامنے کیا کیا کمپیٹیٹرز ہیں اور ان کا انالائسز آپ کے پاس کیا ہے؟ دراز کی کمپیٹیٹرز جو دراز ایک اوور آل مارکیٹ ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ امتیاز ہے
एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की प्रोडक्ट, हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। तो दराज इसी तरह से, जिस तरह आप दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप कंपटीटर्स की आई शॉपिंग है, 24 आवर्स है, वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब ओवरऑल आपको सर्विसेज नहीं देते, ओवरऑल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते आपको एक ही छत के नीचे या एक ही वेबसाइट में। तो दराज का मेरे ख्याल से कोई भी कंपटीटर इस लेवल का नहीं है जिस तरह का दराज का बिजनेस मॉडल है। अच्छा, बिजनेस मॉडल एनालिसिस की बात हो गई, मुझे बताएं कि आपकी प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या है। मेरी प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन ये है कि दराज ने COVID-19 के ट्रेंड्स को समझा कि कस्टमर का फोकस कहाँ पर है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई में जो इजाफा हुआ उसको उन लोगों ने टैकल किया अपने एम्प्लॉइज की तादाद को बढ़ाकर, और इसके अलावा उन्होंने एक स्ट्रेटजी जिसको ओमनी चैनल स्ट्रेटजी कहते हैं, मल्टी चैनल स्ट्रेटजी। तो उन्होंने कस्टमर्स को मोबाइल फ्रेंडली सॉफ्टवेयर या उस तरह जनरेट करके दिए जहाँ पर वो जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल हो के वो इजीली शॉपिंग कर सके। दैट वाज माय कंक्लूजन। थैंक यू अब्दुस्सलाम, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, और उन्होंने एक डिफरेंट चीज पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम सफर ऐप। हम सफर के नाम से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, आप समझ गए होंगे क्या फील हो रहा होगा, मगर हम ये बात पूछेंगे अकबर पंजानी से। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर मुझे ये बताओ कि हम सफर नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, अगर उसके ऊपर एंग्रो लग जाता है तो मामला कुछ चेंज हो जाता है, मुझे सारा ब्रीफ बताओ कि मामला क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले तो वो हम सफर ऐप नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ डिजिटल इनोवेशन फ्रॉम एंग्रो, और एंग्रो ने अपने फार्मर्स के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और अपने बहुत सारे ऑपरेशनल मसाइल को हल करने के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया मार्केट को, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एंग्रो हम सफर ऐप। तो ये है उसका ब्रीफ। अच्छा, मार्केट में एक नई चीज एंग्रो लेके आया जिससे अपने क्लाइंट्स या जो किसान भाई उनके लिए फैसिलिटेशन पैदा कर रहा है, तो इसमें इसकी कंपटीटर्स कैसे, मतलब क्या क्या कंपटीटर्स हो सकते हैं, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि मेरे नजर के सामने से ऐसी कोई एप्लीकेशन गुजरी नहीं है। अच्छा देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर दो बड़े कंपटीटर्स हैं जो एंग्रो के हैं, एक है उसमें फातिमा फर्टिलाइजर और दूसरा है उसमें फौजी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहें तो बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, स्टैग्नेंट वो है इंडस्ट्री है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं होते अंटिल यू कम अप विद समथिंग वेरी डिफरेंट, व्हिच एंग्रो डिड। और उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया और वो एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि अपनी सेल्स को एक बूस्ट मिले और जो उनके ऑपरेशनल दूसरे मसले मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, और साथ ही साथ फार्मर्स को भी एजुकेट किया जा सके जो कि इनके CSR इनिशिएटिव का भी पार्ट है, और सिंस इनके बिजनेस की सारी डिपेंडेंसी इज ऑन द फार्मर्स, तो एजुकेटिंग देम इज अगेन बेनिफिटिंग एंग्रो एज वेल। सही। अच्छा, ये सारी चीजें अपनी जगह इस वक्त, फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेशन की वजह से आप क्या समझते हैं कि एंग्रो कितना प्रॉफिट हुआ है या उसकी मार्केट स्टेबिलिटी कहां तक पहुंची? देखिए, अगर मैं आपको मोटे मोटे नंबर्स बताऊं तो एंग्रो फर्टिलाइजर ने जो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया तो इस एप्लीकेशन के थ्रू एंग्रो ने पिछले साल 100 अरब का रेवेन्यू कमाया है। वाओ, व्हिच इज लाइक ह्यूज। दिस नंबर इज इन इटसेल्फ इनफ टू जस्टिफाई द यूटिलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन। सो लास्टली मुझे बता दो कि इस नंबर को सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन पे चले चलते हैं, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि एक इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना डिजिटल मींस के थ्रू, एक स्टैग्नेंट इंडस्ट्री जिसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई डिफरेंट पैटर्न्स नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है उसके अंदर, अगर एक ऐसी कंपनी डिजिटली उस इंडस्ट्री को डिस्ट्रप्ट करती है तो दैट इज अगेन समथिंग विच गिव्स दैट कंपनी अ कटिंग एज ओवर इट्स कंपेटिटर्स। इंडीड इंडीड, थैंक यू सो मच अकबर, एंड इट्स लिटरली इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, एक और बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट मेरे सामने है। हम अक्सर सुनते हैं बड़े बूढ़ों से कि मुझे बैंक पे जाना है, तो हम पूछते भाई जा क्यों रहे, तो कहते पैसे निकलवाना। तो वो बूढ़ों की एक अलग से खतरनाक किस्म की बैंक है जहां पर उनको उनकी सेविंग्स के ऊपर पैसे मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सेविंग्स की। तो आज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसमें एक हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अब्दुल रजाक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रजाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और जैसे हालात हैं पाकिस्तान के वैसे ही हमारे भी इंशाल्लाह, हम एक दफा फिर नेशनल सेविंग जो है पाकिस्तान का साथ देगी, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो साथ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि आज का इस प्रोजेक्ट का डायलेमा क्या है और क्या चीज आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो है हाईलाइट करना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि ये सीनियर सिटीजन का बैंक है, ज्यादातर हमारे पास जो है पेंशनर्स, सीनियर, ओल्ड एज बेनिफिट्स अकाउंट्स होते हैं, और हमारा फोकस भी वही लोग होते हैं जो ज्यादा अपने सर्विसेज दे चुके होते हैं इस कंट्री के लिए, और फिर उनको सर्विसेज देना, बेनिफिट्स देना, ये इस इदारे का काम है।
और इसका दूसरा दूसरा पहलू जो ये है कि ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान इकोनॉमी को बजट डेफिसिट कम करने में मदद देता है, यानी कि जो हमारे पास इन फंड्स आ रहे होते हैं वो हम पाकिस्तान के अकाउंट्स में जमा करवाते हैं, जहां से वो अपना बजट डेफिसिट कम करते हैं, जिससे वो अपने अखराजात, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। और इस केस स्टडी का जो डायलेमा है वो ये है कि ये जो है अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो इस वजह से ज्यादातर ट्रेडिशंस यही होती है कि मैनुअल वर्क होता है, जो ज्यादातर लेंदी, बोरिंग और फ्रस्ट्रेटेड होता है। ज्यादातर कस्टमर्स भी यही इशू लेकर आते हैं हमारे पास कि भाई ये तो बहुत देर लगती है, 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लगते हैं, एक दिन प्रॉफिट के लिए बुक जमा करवा के जाते हैं, 1 हफ्ते बाद आते हैं कि भाई प्रॉफिट अभी तक नहीं आया हमारा, ये हो गया वो। तो इस प्रोसेस को डिजिटलाइज की तरफ लेके जा रहे हैं, ये डायलेमा है इसका कि वो जो 2 दिन 3 दिन 1 घंटा लगता था वो विद इन मिनट्स हो जाए, ऑन द टेबल हो जाए, जिस तरह से दूसरी बैंक्स कर रही हैं, दूसरे सेक्टर्स कर रहे हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट भी उनको ऐसी सर्विसेज दे जो 1 सेकंड के अंदर उनके प्रॉफिट जो है उनके अकाउंट्स में जमा हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसके लिए उन्होंने क्या किया है, क्या मोबाइल एप्लीकेशन दी है या ऑनलाइन कोई उन्होंने ऐसा अकाउंट सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से लोग घर बैठे काम कर सकते हैं, या सिर्फ उन्होंने वो जो कहते हैं ना किताबजा हटा के, बड़े बड़े बुक्स हटा के वहां कंप्यूटर लगा दी, क्या हुआ क्या है? एग्जैक्टली ऐसा भी हुआ है कि वो जो बुक्स का एक इतना बड़ा जो है शोर शराबा हो रहा होता था, एक लुक आता था हमारे सेंटर्स पे कि पुराने बुक्स पड़ी हुई होती थी, वो तो हट गई हैं बाजार, लेकिन हमारा जो है ये फेज वाइज इस डिलेमा में सारा दिखाया गया है। फेज 1 था, फिर फेज 2 आया, फिर फेज 3 है, फिर फेज 4 है। अब फेज 3 में हम इस वक्त चल रहे हैं जिसमें ये सारी किताबें जो हट गई हैं, लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस था डिजिटलाइजेशन का, जिसमें जो है मेन, अब एक बूढ़ा जो है वो उसमें इतना पावर नहीं होता कि वो लाइनों में लगा रहे, अपने बिल्स जमा करवाए, या फिर वो एक हॉस्पिटल में जाके जो है लाइनों में लगा रहे अपनी बीमारी के लिए लड़े, और फिर वो जो है अपने बारी आने के लिए लड़े, फिर वो फंड्स जमा करवाने के लिए लड़ना जरूरी है। हाँ, पाकिस्तान में तो ये अमूमन चल रहा होता है ना। सही। तो फोर्थ जो फेज है इसका वो इसी पे टारगेट करता है कि एक कस्टमर जब हमारे पास आए तो हम उसकी जो भी यूटिलिटीज हैं वो हम पे करेंगे, हम लाइनों में खड़े होंगे, मतलब आप लड़ेंगे नहीं फिर। हाँ, उसको लड़ने नहीं देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फेज में 3 में आप आ गए हैं, तो आप क्या देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कहाँ तक पहुंची है? फेज 3 के बाद जो है इसकी स्टेबिलिटी ये होगी कि एटीएम कार्ड्स उनको अवेलेबल हो जाएंगे, इसके बाद जो है वो अपने जो जिस तरह से दूसरी बैंक्स में अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं इसी टाइप की ट्रांजेक्शन नेशनल सेविंग के अकाउंट से भी किया करेंगे। अच्छा, मुझे अब लास्टली ये बता दो कि इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या है? इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से 1998 का डायलेमा था जब हम न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त हमें जरूरत थी फंड्स की, इसी वक्त इस वक्त भी हमें फंड्स की जरूरत है जहां पर पाकिस्तान बहुत शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स में आया हुआ है, जहां पर फंड्स की जरूरत है, आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस फेज के बाद ये होगा कि हमें आसानी होगी अपने फंड्स मैनेज करने में, डिसीशन लेने में, और जो फैसिलिटीज हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने में, ये डिजिटलाइज होने के बाद ये है बहुत जो है फैसिलिटीज मुहैया होंगी आम बंदे को, जो आम सिटीजन से। थैंक यू सो मच रजाक एंड गुड लक। वेलकम वेलकम, थैंक यू। तो जनाब बात ये भी होती है कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं रोजमर्रा की रूटीन में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, मगर एक चीज बहुत जरूर होती है कि फिटनेस कैसी हो, कहाँ हो, किस कदर हो, ये भी एक बड़ा एक आजकल डिलेमा बन चुका है। तो हमारे साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसमें एक दोस्त हमें बताएंगे ट्राई फिट होता क्या है, किस कदर है और कब से है, ये हमें बताएंगे मोहम्मद वकार भाई। बिल्कुल प्लीज सर। ट्राइफिट बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की एक फिटनेस चेन है पाकिस्तान में, मतलब फिटनेस को लेकर लोग इतने कॉन्शियस नहीं है, मेरा फिटनेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि जब आप फॉरेनर्स किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं वहां पे ये होता है कि फिटनेस को जो है लाइफ का पार्ट समझा जाता है, जिस तरह जॉब आपकी लाइफ का पार्ट होता है कि मैंने जॉब पे लाजमी जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, इसी तरह वो लोग जो है ना फिटनेस को भी इतनी प्रेफरेंस देते हैं कि हमने वर्कआउट लाजमी करना है चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज उनकी लाइफ का पार्ट, इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लोग बीमार बहुत कम होते हैं, उनकी वो 60-70 ईयर्स तक बहुत फिट रहते हैं। तो बेसिकली ये जो फिटनेस चेंज जब पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो डिलेमा इसका यह है कि इन्होंने एक मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करवाई, क्योंकि जिम तो और भी थे पाकिस्तान के अंदर, बोला हम क्या यूनिक पाकिस्तान के अंदर लेके जाए,
तो इन्होंने पहले एक मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करवाई, उसका मकसद ये था कि पहले ये आइडेंटिफाई किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो जिम ओपन करना चाहिए फिटनेस क्लब, वो मेल फीमेल का कंबाइन होना चाहिए, को होना चाहिए या सेग्रीगेटेड होना चाहिए। जब इन्होंने मार्केटिंग रिसर्च करवाई कराची जैसे सिटी के अंदर जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है, तो इसमें भी 70% जो रेशो आया वो ये आया कि आपका जो जिम है ना वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए। तो उस डिलेमा को, लेकिन जब हम इन्होंने क्लब ओपन कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया, बिल्डिंग डिजाइन हो गई, तो उसके बाद तो कुछ चेंज किया नहीं जा सकता था। तो उसमें क्या हुआ, जब इनिशियल प्रोस्पेक्ट्स के इंटरव्यूज होना शुरू हुए, जब लोग क्लब की मेंबरशिप के लिए आ रहे थे, तो उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा फेस किया गया वो ये कि उसमें 30% कस्टमर ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि आपको को होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी जिम जो इनके कॉम्पिटिटर हैं पल्स है कोर है, वो ये कह रहे थे कि अब कि वहाँ पे को है तो आप लोगों ने को कहेंगे। तो इसका इशू ये था कि वो 30% जो टारगेट ऑडियंस थी वो हमने मिस कर दी यहाँ पे। पहले 70% तो हमारे पास आ रहे थे, लेकिन वो 30% टारगेट हमने, तो ये इसका डायलेमा था। अब इसकी जो आपका मैं बैकग्राउंड बताऊं, बैकग्राउंड इसका ये है कि जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो बेसिकली पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने जो तकरीबन सर्व किया है ना वो दूसरे कंट्री के, यूएस यूके और मिडिल ईस्ट के अंदर सर्व किया है, वहां मतलब वो टॉप 15 फिटनेस चेन ब्रांड को रन कर चुके हैं। उनके माइंड में आया, और इससे पहले जब वो सऊदीया के अंदर रन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार सऊदीया जैसे इस्लामिक कंट्री जहाँ पे लोग मतलब जिम कॉस्ट्यूम को लेके इतने वो नहीं होते, तो जब यहाँ पे उनका ब्रांड सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट पाकिस्तान, और क्योंकि वो पाकिस्तान ही था तो उसके माइंड में आया क्यों ना मैं जाके अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँ, अपने लोगों को वो फैसिलिटीज दूँ जो मतलब दूसरे मुल्क में है और पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो वो ये कॉन्सेप्ट लेकर बेसिकली पाकिस्तान आए, और उन्होंने इस लेवल का फिटनेस क्लब बनाया कि पाकिस्तान में इस लेवल का फिटनेस क्लब अभी तक नहीं बना। अच्छा, अब सही, तो अब मुझे ये बताएं कि इतने बड़े काम को करने के लिए एक पाकिस्तानी बैक एंड पे बैठा हुआ है, तो अब इसमें एक घड़ी भी नजर आ रही है आपके पोस्टर में और एक एंड्रॉइड फोन भी नजर आ रहा है, जी। तो मुझे ये बताएं कि इसके फीचरिंग क्या है, क्या घड़ी और फोन से कोई इसका कनेक्शन है या नहीं, दूसरा इसके मार्केट में कंपटीटर्स क्या है और कंपटीटर्स के सामने ये कैसे खड़े, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई बाहर से पढ़ के भी आता है या बाहर से कोई जॉब करके भी आता है, तो वो बाहर से आता है तो वो बाहर वाली प्रोडक्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो इस प्रोडक्ट का बाहर से आना हमारे लिए क्या मतलब, हमारी लोकल प्रोडक्ट के लिए? ये जो जिसको आपने वॉच कहा ये बेसिकली एक फिटनेस ट्रैकर डिवाइस है जिसको आप अपने हाथ में पहनते हैं, इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 99.5% है। सही, तो इसका ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाती है, उसमें ये होता है कि आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें ये आपको बताता है आपने इतनी कैलोरीज बर्न की है, आपने इतने माइल्स ऑन एफ, बेसिकली मोटिवेट करने के लिए होता है लोगों को, उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल रही होती है कि मैंने अगर इतनी रनिंग की उसके बदले मुझे इतने पॉइंट। और जो इंटरनेशनल एक कैटेगरी चलती है फिटनेस को लेकर, आयरन कैटेगरी होती है और उसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम कैटेगरीज होती है, तो अगर आप एक महीने के अंदर इसके 1300 पॉइंट्स जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट्स शो करता है MEF माइल्स ऑन एफर्ट्स पॉइंट्स, तो वो बताता है कि आप आयरन कैटेगरी में, तो वो बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए। बाकी वो कॉन्सेप्ट जब यहाँ लेके आए तो साबत इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो इस लेवल के तो नहीं है जिस लेवल इन्होंने ओपन किया, लेकिन साबत जब आप किसी मार्केट के अंदर न्यू एंट्री करते हो तब तो कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, आपको कस्टमर बनाना है अभी। तो इनके तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया कि जो आपके कंप्यूटर प्राइसेस दे रहे थे उससे कम पे मेंबरशिप ऑफर कर दी, और उस जैसी फैसिलिटीज, उससे मतलब 100 गुना बेहतर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट ब्रांडेड सारे यूएस स्पेनिश के टॉप ब्रांड की इक्विपमेंट यूज कर रहे थे वो। उसके अलावा जो हमारे पास स्टाफ है वो कुछ लोकल है, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफाइड, मतलब अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है जो कॉन्सेप्ट माइंड में बना हुआ है कि जिसकी बॉडी है वो जो है ट्रेनर है, कि जिसकी बॉडी बनी हुई है उसकी हेल्थ सही है, हालांकि ऐसे जरूरी नहीं बिल्कुल। हम वो जो लोग लेके आए वो सारे level 2, level 3 क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर, और इवन जो क्लब मैनेजर उनकी उन्होंने कोशिश की, आज तक जो उनका स्टाफ है बेसिकली वो फॉरेनर है, यूके से लोग हैं और उसके अलावा आयरलैंड से लोग हैं, साउथ अफ्रीका से लोग हैं जो मतलब फिटनेस को समझते हैं, तो वो ये कॉन्सेप्ट ले गया। तो इस वजह से हम अपने कंप्यूटर से बहुत सी चीजों पे यूनिक हैं, एक तो ये जो मैंने आपको ये आईजोन नजर आ रही है ये उनके पास नहीं है, उसके अलावा पैकेजेस हमारे काम में, इवन आप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताएं कि इसका कंक्लूजन क्या है आपके पास अपने प्रोजेक्ट का? अब कंक्लूजन इसका ये है कि जो जब हमारी मीटिंग हुई फिर सीईओ से, जब हमारी सेल्स टीम ने उनके सामने रिव्यूज पेश किए कि कस्टमर के ये भी रिव्यूज हैं, तो उसमें अब या तो वो ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो न्यू क्लब, क्योंकि इनका जो टारगेट है पाकिस्तान के अंदर 50 क्लब ओपन करने इसी तरह की मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, जो कि कराची के अंदर इनकी 5 लोकेशन आइडेंटिफाई है, एक लोकेशन प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है,
जिसका मैंने लगाया हुआ सीवी पे आपके। उसके अलावा तो अब उसका उन्होंने दो सजेशंस बेसिकली सेल्स टीम ने दिए कि या तो ये है कि हम कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स कर दें ऐसे बीच में 2-3 घंटे के जिसमें मेल फीमेल दोनों एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम जो न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं वहां पे जो है ना हम अपना कोई वो करें। तो अभी ये जो है ना आपकी जो है कन्वर्सेशन कंटिन्यू है, तो आप देखो पता क्या आगे। ओके एंड इट्स वाज रियली इंफॉर्मेटिव, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जनाब मैंने बात फिटनेस की भी की, घूमने फिरने की भी, और जब बात घूमने फिरने खाने पीने और बीमारी तक चली जाए तो खाना फिर बहुत जरूरी होता है। तो इस वक्त हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल बड़ा प्यारा है, ब्रॉडवे पिज्जा, ब्रॉडवे ब्रॉड माइंड, और जितना बड़ा ब्रॉड पिज्जा होता है इतना बड़ा मजा आता है। तो हमारे साथ है अरबीना इकबाल। अरबीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताओ अरबीना कि ब्रॉडवे पिज्जा, आप फूडी होलिक हैं? बहुत ज्यादा, टू मच। टू मच, कौन सा और किस फ्लेवर का पिज्जा पसंद है? सबसे बड़ी बात, आई एम वर्किंग एट ब्रॉडवे हेड ऑफिस एज असिस्टेंट सप्लाई चेन मैनेजर, दैट्स व्हाई आई चूज ब्रॉडवे केस स्टडी। एंड सेकंड चीज ये कि मुझे ब्रॉडवे की जो यूनिकनेस है उसके फ्लेवर्स हैं, तो मुझे ब्रॉडवे के बहुत से कुछ फ्लेवर्स तो ऐसे हैं जो कि मुझे और कहीं नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल अरेबिक रेंच हो गया, फैंटम हो गया, तो ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत अट्रैक्टिव है। नाम भी फैसिनेटिंग है ना, फैंटम अरेबिक और फैंटम है, टिक्का टार्जन है, एंड शिकागो है, मामा मिया पिज्जा है, तो बहुत अट्रैक्टिव और यूनिकनेस नेम है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम समवॉट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, और ये मतलब बहुत अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी और स्ट्रेटजी से इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं और फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं और यूनिकनेस के साथ, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको टारगेट किया। सो अरबीना मुझे ये बताएं कि आप ब्रॉडवे पिज्जा के साथ आई हैं, तो आज आपके प्रोजेक्ट का डायलेमा क्या है? एक्चुअली डायलेमा मेरा ये है कि इन 1996 जो मेरे ऑनर हैं डॉक्टर मसूद जावेद, उन्होंने एक फाइन इन डाइनिंग रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे। उस दौर में इतने ज्यादा रेस्टोरेंट फाइन इन डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, दैट्स व्हाई वो एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आए और एक लार्जेस्ट रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है, लार्जेस्ट आइडिया रखा, उसके बाद फिर जो उनके बेटे हैं, ठीक है, शहबाज साहब, उन्होंने क्या किया, एंटरप्रेन्योर एज अ यंगर एंटरप्रेन्योर आए वो मार्केट में, एंड उन्होंने एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ एक ब्रॉडवे एक पिज्जा लॉन्च किया। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि लोगों का जो माइंड बना हुआ था ना, एक पैन पिज्जा का बना हुआ था। तो जो ब्रॉडवे की यूनिकनेस है वो ये थी कि ब्रॉडवे ने जो इंट्रोड्यूस किया वो स्टफ क्रस्ट पिज्जा इंट्रोड्यूस किया, स्टफ क्रस्ट डो के साथ। तो जो एक इनोवेशन के साथ उनको आगे बढ़ना था, एक मार्केट में कुछ नया लेकर आना था जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। तो ये इनकी स्ट्रेटजी थी कि पैन पिज्जा से वो किस तरीके से स्टफ डो पिज्जा को लेकर आए, न्यू आइडियाज के साथ मार्केट में आए, इस पे इम्प्लीमेंट किया और टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजीज को इन्होंने चेंज किया, मार्केट के साथ आगे बढ़े, तो इस वजह से इनका मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो इन्होंने अपनी एक लोकल फास्ट फूड चेन थी जिन्होंने अपना नाम बनाया अक्रॉस पाकिस्तान, इन्होंने 54 आउटलेट्स करिए। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं और आपके पास कंपिटिटिव एज क्या है, जस्ट लाइक आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो जस्ट लाइक कंपिटिटर्स के पास नहीं है और किस वजह से लोग ऑप्ट करेंगे? एटलीस्ट कंपिटिटर्स तो मैंने से दो मेंशंस किए हैं यहाँ पर, डोमिनोज एंड फोर्टीन स्ट्रीट, और भी बहुत लोकल कंपिटिटर्स हैं ब्रॉडवे के। एंड मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉडवे की जो यूनिकनेस है वो उसके फ्लेवर्स और थिन क्रस्ट डो है, जो के कॉपी की 14 स्ट्रीट ने भी, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो इसका यूनिकनेस है। इस वजह से वो एक जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो उसने मेंटेन रखी हुई है अभी तक ब्रॉडवे ने 1996 से लेके अब तक, तो इस वजह से ये इसकी यूनिकनेस। अच्छा, मार्केट स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हैं आप इसकी, क्योंकि कंपिटिटर्स लोकल भी हैं एंड देन अगेन डोमिनोज इंटरनेशनल चेन, तो पिज्जा हट भी होगा ऑब्वियसली। पिज्जा हट तो बिल्कुल मतलब डाउनफॉल हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है पिज्जा हट ब्रॉडवे का, बिल्कुल ही डाउनफॉल हो चुका है। मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या? मार्केट स्टेबिलिटी ये है कि ब्रॉडवे की स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी है, ब्रॉडवे के टेस्ट और यूनिकनेस बहुत अच्छा है। ब्रॉडवे जो एक ब्रॉडवे चीज लॉन्च करता है तो एक न्यू इनोवेशन और आइडिया के साथ करता है। अच्छा मुझे लास्ट ये बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या निकलेगा? एट द एंड कंक्लूजन ये निकलेगा जो ब्रॉडवे के जो एम्प्लॉयज हैं, ब्रॉडवे उनको बहुत कंपनसेट करते हैं उनके स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं भी एक ब्रॉडवे का हिस्सा हूँ, और फर्स्ट से लेकर जो स्टार्टिंग से लेकर और स्टिल अभी तक जो ब्रॉडवे के एम्प्लॉयज हैं वो अब तक ब्रॉडवे के साथ हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज को एक तरह से जोड़ के रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए।
और ये अपने प्रोडक्ट मजीद और वर्क कर रहे हैं स्ट्रेटजीज पर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, और कंक्लूजन ये है ब्रॉडवे का कि ब्रॉडवे इंटरनेशनल होने वाला है बहुत जल्द। दैट्स वेरी ग्रेट, और मैं कहूंगा गुड लक फॉर योर प्रेजेंटेशन, और इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। काफी सारी चीजें मैं पता नहीं थी, फ्लेवर्स पता नहीं थे, इसी आउटलेट जाएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर 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 जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं ना जैतन सिर्फ गुल अहमद, तो गुल अहमद की बात हम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हामिद फराज राव। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अलहमदुलिल्लाह ठीक हूं। सर मुझे ये बताएं कि आज गुल अहमद के ऊपर क्या डिलेमा है, क्या प्रोडक्ट है आपकी, क्या डिलेमा आप लेके आए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर? एक्चुअली गुल अहमद आप लोग सब जानते हैं गुल अहमद को एज एन आइडियाज स्टोर। बेसिकली गुल अहमद इज नॉट लिमिटेड फॉर आइडियाज स्टोर विच आर लोकेटेड डोमेस्टिकली। गुल अहमद इज समथिंग एल्स। तो आज जो हमारा डिलेमा है बेसिकली गुल अहमद अपैरल यूनिट के हवाले से है, एंड आई पोर्ट्रे द सिचुएशन ऑफ द कोविड कि गुल अहमद ने जो एक्सपोर्ट डिवीजन है, जो उसका SBU है गुल अहमद अपैरल, उसने क्या किया ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन। सो माय डिलेमा इज दैट कि जब कोविड आया तो हर इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो वी नीड अ सर्वाइवल। तो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चीज चाहिए थी, उस सर्वाइवल को देखते हुए हमने कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ अपनी स्ट्रेंथ को ओवरकम किया ड्यूरिंग द जो वीकनेसेस या जो एक मार्केट में प्रॉब्लम था उसके ऊपर ओवरकम किया अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पे। सही। सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गुल अहमद। गुल अहमद इज अ ह्यूज ग्रुप जो कपड़े पे काम करता है, जिसकी अपैरल की इंडस्ट्री है, जो लोकली आइडियाज के नाम से जो आप सब लोगों में फेमिलर है। तो हमारे जो कपड़ा था उसको हमने यूटिलाइज किया। बेसिकली जो सबसे पहले आपको गुल अहमद अपैरल के बारे में पता होना चाहिए, वो गारमेंट्स बनाता है और एक्सपोर्ट करता है US एंड यूरोप, जिसमें आपके जारा, मैंगो, आपके टॉम टेलर और CNA बड़े बड़े ब्रांड्स को गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि जब आपका कोविड आया तो प्रॉब्लम यह है कि गारमेंट्स तो लोग ले नहीं रहे थे। दैट टाइम मेजर इशू वॉज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उस टाइम आपका सबसे ज्यादा जो चीजें सेल हुई वो फिनाइल सेल हुआ, आपका डेटोल सेल हुआ, हैंड सैनिटाइजर यूज हुआ, ठीक है, आपके मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट हुआ। तो अब हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए करना था। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, हमारे पास कपड़ा ऑलरेडी मिलियंस ऑफ मीटर रेडी था। तो हमने उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके हमने तीन स्ट्रेटजीज यूज की, जिसमें हमने तीन स्ट्रेटजीज में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी काम किया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने क्या किया, हम गार्मेंट्स बनाते थे तो हम लोगों ने मास्क एंड गाउन्स एंड स्क्रब, मेडिकल स्क्रब जो है उस तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कपड़ा ऑलरेडी मौजूद था, प्रिंटिंग सेटअप हमारे पास इनहाउस मौजूद था, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, R&D की बेहतरीन टीम थी। तो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जिसकी मार्केट में डिमांड थी। तो बेसिकली हम लोगों ने उसको पिच किया, तो उसको पिच करके हम सक्सेसफुल हुए। फिर हमारे लिए अगला टारगेट था प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि आप क्योंकि एक क्लॉथिंग साइड को देख रहे थे, अपैरल साइड को, अब मास्क एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एंटायरली डिफरेंट, तो हमें मार्केट डेवलपमेंट करनी पड़ी। तो उसके लिए फिर हमने डिफरेंट कस्टमर्स को पिच किया, न्यू मार्केट्स को पिच किया। दैट वाज द अमेजिंग टाइम पीरियड एंड रिस्पांस फ्रॉम द कस्टमर, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो उसमें जो मेन चीज थी उस टाइम, सबसे एक और इश्यू आ रहा था आपको एक्सपेंस को भी कंट्रोल करना। नोबडी नोज कि कितने टाइम ये कोविड चलेगा, और आप मास्क, ऑब्वियसली आप एक मास्क लेते हैं तो आप कितना टाइम यूज कर रहे होंगे? सही, एक दिन। डिस्पोजेबल चीज थी, तो हमने कपड़े के मास्क इंट्रोड्यूस करवाए जो वॉशेबल थे। उसमें फिर हमने एक और चीज की, हमारे पास एक MSL लैब है इंटरनेशनली, जिसपे हमने इस पे केमिकल अप्लाई किया कपड़े पे, जो कि एंटी माइक्रो बैक्टीरियल केमिकल था, जो कि 60% से ऊपर जर्म्स को किल करता था। और दैट वाज सर्टिफाइड थ्रू MSL, दैट वाज सर्टिफाइड थ्रू MSL। तो हमने MSL का सर्टिफिकेट करवाया, जिसने इंश्योर किया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वाकई में मोर देन 60% जर्म्स को किल कर रहा है। फिर ये आपका प्राइस इफेक्टिव था, लोग इसको एक दफा ले लेते थे, मल्टीपल टाइम्स को वॉश करके यूज कर सकते थे। फिर इसमें हम लोगों ने प्रिंट ऐड किया, एम्ब्रॉयडरी ऐड की, बिकॉज आप एक सिंपल मास्क लगाएंगे तो बोर हो जाएंगे एक ही चीज पहन के। तो हमने सस्ते में अच्छी चीज डेवलप की। अच्छा, मुझे राव साहब ये बताएंगे इसके कंपटीटर्स क्या थे, कंपटीटर्स को कैसे फेस किया गया, और आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या है? कंपटीटर्स, दैट वाज द टफ टाइम पीरियड, बट इशू ये था कि जो हमारे कंपटीटर थे उनको कपड़ा कहीं और से सोर्स करना पड़ रहा था। दे डोंट हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो हमारे पास एक गुड लक ये थी कि हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन थी, हमारे पास कपड़ा अपना बन रहा होता था, तो हमें वहां पे अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको कम्पीट करने में आसानी हुई। हम ज्यादा अच्छे से प्राइस दे
से के मार्केट में और हमने कम्पीट किया और दैट चैलेंज वॉज रियली अमेजिंग। तो हमने बड़े अच्छे से उसको मार्केट में पिच करके और फिर पेनिट्रेट किया और मैसिव प्रोडक्शन किया हम लोगों ने। वेरी ग्रेट, और आपके तसलसल से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। गुलामत सिर्फ कॉटन और इसपे महदूद नहीं है, अपैरल पे भी काम करता है और सैनिटाइजिंग सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट में भी एक चीज आ गई, क्योंकि हम मास्क पहनते तो और उस मास्क को हम हमेशा ये सोचते हैं डिस्पोजेबल है मगर वॉशेबल भी है और जस्टिफाइड है। एंड देने के लिए कहूँगी रिकॉग्नाइज भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।